हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बेटा किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, अप्लाई कर सके। ठीक है, उस रीजन को हम उस चार्ज पार्टिकल का बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स जो है हमारा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो दोनों चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और उन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी सेपरेशन सामने में नजर आ रहा है, सेपरेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जो है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक गिवन चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो उस पॉइंट पे उस जो है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उस पॉइंट पे, अगर हम एक कूलम पॉजिटिव चार्ज रखें और वो एक कूलम पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उस पॉइंट की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस प्लस वन कूलम चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको डेनोट करते हैं हम किससे, ई से। ठीक है बेटा, किससे डेनोट करते हैं, ई से। अब मान लो मेरे को एक किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमने कंसीडर करा, सपोज ये एक हमारा पॉइंट चार्ज है क्यू, जिसके कारण हमें एक पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्यू पॉइंट का हमें पोजिशन वेक्टर दे रखा है आर वन वेक्टर, और जो पी सॉरी जहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है उसका पोजिशन वेक्टर दे रखा है आर वन वेक्टर, और जो पॉइंट पी है उसका जो पोजिशन वेक्टर दे रखा है हमारे को, पी की जगह हम इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जो पॉइंट बी है उसका पोजिशन वेक्टर जो हमें दे रखा है दैट इज गिवन समथिंग आर नॉट वेक्टर। अब हमारे को इस क्यू चार्ज के कारण इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसके लिए डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इस पॉइंट जो पॉइंट ये हमारा बी है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक वन कूलम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सपोज एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास वन कूलम चार्ज अवेलेबल नहीं था, हमारे पास जो चार्ज अवेलेबल था दैट वाज समथिंग क्यू नोट, तो हम अब इस क्यू नोट से ही काम चलाएंगे। तो हमने क्या करा, इस बी पॉइंट के ऊपर चार्ज रख दिया कितना, क्यू नोट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर इस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने कूलम्स लॉ लगाया, और कूलम्स लॉ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं अर्लियर लेक्चर में कि भाई कैसे लगाते हैं। तो फोर्स हमारा आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन हो गया क्यू, क्यू टू हो गया क्यू नोट। ठीक है, डिवाइड बाय किस डायरेक्शन में लग रहा है, एबी डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने ले लिया एबी, तो एबी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन के लिए आ गया एबी कैप। गॉट इट? ठीक है, एबी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे तो हमारे पास आएगी कितनी, आर नोट माइनस आर वन वेक्टर, और उसको हमने नाम दे दिया एक आर वेक्टर सपोज। ठीक है, तो ये हो गया एफ वेक्टर जो है के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय एबी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब आर नोट माइनस आर वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर नोट माइनस आर वन कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जगह इस वाली चीज की जगह हम यहां पर प्लेस कर रहे हैं कौन, आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ वेक्टर बराबर के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, आर यहां पर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। गॉट इट?
ठीक है। तो ये हमारा इस Q नॉट चार्ज के ऊपर, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की क्या आ गई वैल्यू आ गई, गॉट इट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कहती है कि उस पॉइंट पे एक प्लस वन कूलम के ऊपर जितना जो है फोर्स लग रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, लेकिन हमने निकाला किसके ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। तो प्लस वन कूलम चार्ज के ऊपर कितना हो जाएगा, अगर क्यू नॉट चार्ज के ऊपर एफ है तो वन कूलम के ऊपर हो जाएगा एफ बाय क्यू नॉट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अंदर हमने ये एफ की वैल्यू उठा करके यहां से क्या कर दी, प्लेस कर दी। तो ये हमारे पास इस पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर हो रहा है। ई वेक्टर बराबर के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहां पर ये के क्यू बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये आर कैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉट इट, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वो हमारा आ जाएगा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, गॉट इट। अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, इस हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर अपन बात करें, बहुत ध्यान से देखिए, क्या ई एफ बाय क्यू आया है, एफ यानी फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, गॉट इट। अगर डाइमेंशनल फॉर्मूला हम निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हो, फोर्स का होता है एमएलटी माइनस टू और चार्ज का होगा एटी, ठीक है। तो एमएलटी माइनस टू डिवाइड बाय एटी, वो हमारे पास आ जाएगा एमएलटी माइनस थ्री ए माइनस वन, यू गॉट इट, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं भाई ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है आपको डेफिनेशन से नजर आ रही है, फोर्स ही तो है वन कूलम चार्ज के ऊपर, और फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेटली एक कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, भाई ये फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स किसके ऊपर, हमने कहा था प्लस वन कूलम, यानी एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो अगर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखिए, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिधर जो है फोर्स, नेट फोर्स काम कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, यू गॉट इट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात हुई। अब ये तो हमने बात कही थी कि भाई अगर किसी रीजन में सिर्फ एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट है तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि किसी रीजन में एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज ही प्रेजेंट हो सकता है बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो। तो अगर एक रीजन में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, उसके कारण हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे वहां पर, कि अगर एक जगह पे बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो उन सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज यहां पर भी यूज होगी, कैसे यूज होगी भाई, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनके कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम, ठीक है। वो इंडिविजुअल वेक्टर्स हो गए जो कि उस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो उन सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फिर हमारा, सिंपल स्टेटमेंट कि अगर एक जगह पे एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है तो उन चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनके वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा, गॉट इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ मोर देन वन चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए रीजन देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है भाई। अब सपोज करो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि हमारे पास कुछ n चार्जेस प्रेजेंट है जिनके मैग्नीट्यूड है q1 q2 q3 एंड सो ऑन अप टू qn, ठीक है, जिनके पोजिशन वेक्टर्स भी मेरे को गिवन है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू Rn वेक्टर, ठीक है। इन सभी चार्जेस के कारण हमें एक पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन है R0 वेक्टर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे कौन, सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने अभी पीछे जैसे इंडिविजुअल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, उस चीज को यूज करते हुए इस पॉइंट पी के ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाल लेते हैं, जो कि हमारी निकल करके आएगी। अगर मैं Q1 चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी उसको E1 वेक्टर नाम दे रहा हूं, तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगा भाई इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, के Q1 डिवाइड बाय Q1 का P का Q1 से डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा कितना, अगर इस वाले ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है ये निकल करके आ जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो उसके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहां पे आप पजल मत होना कि सर यहां पे तो आपने स्क्वायर यूज किया है और यहां पे आप क्यूब यूज कर रहे हो। देखो बच्चा, यहां पे हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे थे और यहां पे मैंने उस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और ये हम पिछले टॉपिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो इस वजह से क्यूब आ गया यहां पर, गॉट इट, ठीक है। ऐसे ही Q2 के कारण निकालेंगे, Q3 के कारण निकालेंगे, एंड सो ऑन अप टू Qn के कारण निकालेंगे। ये हमारे पास इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे को चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जितने भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उन सभी का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो पॉइंट पी के ऊपर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सभी जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है उनका वेक्टर सम, यानी ई वेक्टर जो है हमारा वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू E1 वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम यहां पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर इस चीज को मैं सबमिशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो सबमिशन फॉर्म में क्या, इसी ये जो स्टेटमेंट है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू n k qi डिवाइड बाय r नॉट माइनस ri मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू r नॉट माइनस ri वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, ठीक है, क्या ये और ये चीज सेम है, ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई, ओके डन। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है जी। आई होप आपको आज का टॉपिक मेरा समझ आया हो।